हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टू क्लास सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम मोर टॉपिक ऑफ चैप्टर वन विच इज़ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर का तो पार्ट थर्ड है इससे पहले दो पार्ट में बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को तो लास्ट वीडियो को जो है हमने यहाँ पे एंड किया था हम डिस्कस करने वाले थे नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज को तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो पहला टर्म जो है दैट इज़ इंटरनेट तो इंटरनेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इंटरनेट के बारे में आप लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए इंटरनेट जो है एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें कि जो कंप्यूटर है वो आपके अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्टेड रहते हैं एंड इट प्रोवाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मतलब हमें बहुत सारी इंफॉमेसन इंटरनेट से मिल जाती है और कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमें बहुत सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है एंड इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनिकट नेटवर्क विच कम्युनिकेट बायराइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंटरकनिकट नेटवर्क रहते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की हेल्प से मतलब कि हम कह सकते हैं सिंपल टर्म में इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का ही एक नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे नेटवर्क इन्वॉल्व रहते हैं और इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है जिसमें कि आप कहीं से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं कोई भी डिवाइस से कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे इंटरनेट के बारे में था आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इंट्रानेट की तो देखिए इंट्रानेट क्या होता है इंटरनेट जो है वो एक तरीके से इंटरनेट की तरह होता है लेकिन ये जो नेटवर्क है वो इंटरनेट से थोड़ा डिफरेंट होता है इंटरनेट रेफर टू अ कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होगा उसे हम बोलेंगे इंट्रानेट जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है फाइल एंड रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए सिक्योरली तो ये जो नेटवर्क होता है इंटरनेट यहाँ पे जो प्राइवेट इन्फॉमेसन होती है वो कोई आउटसाइड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता मतलब कि जो इन्फॉमेसन होती है वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड रहती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई कंपनी का नेटवर्क है जिसको कि सिर्फ कंपनी के ही पीपल एक्सेस कर सकते हैं कोई बाहर का पर्सन जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता तो उसे हम बोलेंगे इंट्रानेट जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देखिए मान लीजिए कंपनी का नेटवर्क है तो ये जो है नेटवर्क फायरवॉल से सिक्योर है और यहाँ पे मान लीजिए इंटरनेट है तो इसको अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा आउटसाइडर तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जो फायरवॉल होगा ब्लॉक कर देगा क्योंकि यहाँ पे जो कंप्ली के पीपल्स होंगे भाई इसको एक्सेस कर पाएंगे जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो एयरलाइन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपस में इंटरलिंक होते हैं किसकी हेल्प से इंटरनेट की हेल्प से तो वो जो है एक्सेस कर सकते हैं एयरलाइन की डिटेल जैसे कि बुकिंग डेटा है या फ्लाइट का डेटा है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं लेकिन इसी इंफॉर्मेशन का कोई आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता मतलब हम लोग जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते जो एयरलाइन के एम्प्लॉय हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं तो उन्हीं के लिए वो नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को हम बोलेंगे इंटरानेट आई होप आप लोग को इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की दैट इज़ बैंडविथ तो देखिए बैंडविथ का मतलब क्या होता है बैंडविड्थ जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डेटा है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मतलब बैंडविड्थ उसको बोलेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है उस चीज़ को हम बोलेंगे बैंडविड्थ बैंडविड्थ जो होती है नॉर्मली केबल्स की होती है कि कितनी बैंडविड्थ पे वो वर्क कर रही है कितनी स्पीड से कितना अमाउंट ऑफ़ डेटा वो ट्रांसफ़र कर सकती है और बैंडविड्थ को जो है यूजली एक्सप्रेस किया जाता है बीपीएस में बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड या फिर आप कह सकते हैं बाइट्स पर सेकेंड इसके अलावा के वी पी एस एंड एम बी पी एस में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है आजकल के टाइम में जी बी पी एस और टी बी पी एस भी आ चुका है जहाँ पर कि आपका टेराबाइट में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है तो बैंडविथ को सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं क्या है डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है कि कितना डेटा कि एक टाइम में ट्रांसमिट किया जा सकता है अब बात करते हैं आई एस पी की आई एस पी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे इमेज देख के आइडिया लगी गया होगा कि आई एस पी क्या होते हैं तो आईएसपी जो है वो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज़ को बोलते हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं यूजर्स को मतलब ऐसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है उनको हम बोलते हैं आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी हो गया एयरटेल हो गया बी हो गया जियो हो गया ये सब क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की आप कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर इनमें से यूज़ कर रहे होंगे जिसकी हेल्प से आप अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो जो भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट की उसको बोलेंगे हम आई मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट की उसी को हम बोल देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई होप आप लोगों को आई भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की जो कि है वेबसाइट वेबसाइट देखिए क्या होती है वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जो कि कंटेंट करके रखते हैं इमेज वीडियो या फिर कोई और डिजिटल मीडिया मतलब कि वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस रहते हैं जो कि आपस में लिंक होते हैं और उन पेजेस पे कोई भी डेटा हो सकता है जैसे कि इमेज वीडियो या फिर डिजिटल मीडिया और जो वेबसाइट होती है वो आइडेंटिफाई होती है किससे डोमेन नेम से मतलब कि वेबसाइट को एक डोमेन नेम मिला हुआ होता है जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जैसे कि गूगल डॉट कॉम की बात करें तो जो गूगल है वो डोमेन नेम है गूगल वेबसाइट का मतलब जो गूगल लिखते हैं आप वो एक डोमेन नेम है तो जो डोमेन नेम होता है उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं क्या होता है वो वेबसाइट का एड्रेस होता है एंड वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं वो आपके एस में लिखे जाते हैं एस की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज और इन्हीं वेब पेजेस को जो है हम एक्सेस करते हैं किसकी हेल्प से इंटरनेट की हेल्प से और वेबसाइट जो होती है वो होस्ट होती है आपकी किसी ना किसी सर्वर पे मतलब कोई ना कोई कंप्यूटर होगा जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही होगी जिसका डेटा जो है पूरा उस कंप्यूटर पे स्टोर होगा तो उस कंप्यूटर को बोलेंगे हम सर्वर और वेबसाइट जो है किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है या फिर किसी कंपनी की भी हो सकती है जिसको कि कोई इंडिविजुअल मैनेज कर सकता है या पूरी कंपनी भी मैनेज उस वेबसाइट को कर सकती है सो इट इज ऑल अबाउट वेबसाइट आई होप आप लोगों को वेबसाइट समझ में आगे होगी अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की जो कि है वेब पोर्टल तो देखिए वेब पोर्टल क्या होते हैं वेब पोर्टल भी एक तरीके से कहें तो वेबसाइट ही होती है लेकिन इनको जो है डिज़ाइन किया जाता है किसी और पर्पस के लिए मतलब कि यहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या मिलते हैं दूसरे वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं मतलब इनका जो है डेटा कुछ ज़्यादा नहीं रहता लेकिन दूसरे वेबसाइट के लिंक रहते हैं उन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वेब पोर्टल हम कह सकते हैं ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जो कि क्या करती है लिंक प्रोवाइड करती है दूसरे वेबसाइट्स की जैसे कि आजकल के टाइम में जो सर्च इंजन है वो एक तरीके से वेब पोर्टल की तरह ही काम करते हैं बहुत सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो वहाँ पे लिंक देते हैं बहुत सारे जिन पर कि क्लिक करके आप वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं आपको अभी एक वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊँ देखिए मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ एक वेबसाइट देखिए यहाँ पर मैंने गूगल ग्रूम को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एम एस एन तो देखिए एमेसन जो वेबसाइट है एक तरीके से क्या है वेब पोर्टल की तरह ही काम कर रही है अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो बहुत सारे लिंक यहाँ पे शो हो रहे हैं अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करूँगा जैसे स्पोर्ट्स वाले पे करता हूँ तो स्पोर्ट की डिटेल मुझे मिल जाएगी देखिए स्पोर्ट वाली वेबसाइट पर मुझे ले जाएगा ठीक है यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये वेबसाइट ओपन होने लगी है तो यहाँ पर जो है मुझे स्पोर्ट्स के बारे में सारी इनफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे इनफॉर्मेशन मिल गई है और अगर मैं यहाँ पे किसी और लिंक पर क्लिक करूँ तो उस वेबसाइट पर ले जाएगा जैसे कि फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फेसबुक ओपन यहाँ पे इसने कर दिया है तो इस तरीके से यहाँ पर लिंक दे रखी है तो इसको हम बोलेंगे वेब पोर्टल मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक देखने को मिलते हैं उन लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे तो आई होप आप लोगों को वेब पोर्टल भी समझ में आ गया होगा मतलब किसी सिंपल टर्म में हम कहें तो एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे कि दूसरे वेबसाइट्स के लिंक होते हैं और उन लिंक पर क्लिक करके आप उन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे वेबसाइट पे ख़ुद का डेटा होता है वैसा कोई डेटा आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा सिर्फ दूसरे वेबसाइट के लिंक होंगे उन पर आप क्लिक करेंगे तो उन वेबसाइट्स पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अब बात करते हैं वेब पेज की तो देखिए वेब पेज क्या होता है वेब पेज इज़ एन इंडिविजुअल पेज ऑफ अ वेबसाइट विच में कंटेन टैक्स इमेज ऑडियो वीडियो मतलब किसी वेबसाइट का जो इंडिविजुअल पेज होता है उसे हम बोलते हैं वेब पेज मतलब कोई भी वेबसाइट ले लीजिए उसका कोई भी जो पेज होगा उसको हम बोलेंगे वेब पेज इसको ऐसे समझ सकते हैं कोई बुक है तो उसको मान लीजिए वेबसाइट है और जो बुक का पेज है उसको आप मान लीजिए वेब पेज तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और वेब पेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेब पेज को हम किस तरीके से लिखते हैं वेब पेज को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं एस जो कि हमारी हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज होती है और ये जो वेब पेज होते हैं किस पे स्टोर होते हैं वेब सर्वर पे जो भी उस वेबसाइट को स्टोर कर रहा होगा उस सर्वर पे ही क्या होंगे आपके जो वेब पेज होंगे वो स्टोर हो जाएंगे मतलब तो जिस वेबसाइट की होस्टिंग जो सर्वर कर रहा होगा उसी सर्वर पे उस वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर हो जाता है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने विकीपीडिया का जो पेज है वो लिया है तो ये क्या है एक तरीके से वेब पेज है तो आई होप आप लोग को वेब पेज भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं होम पेज की तो देखिए होम पेज किसको बोलते हैं हम बहुत ही सिंपल है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज मतलब किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज मतलब जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन करी तो उसका जो फर्स्ट पेज आएगा उसे हम बोलेंगे होम पेज जैसे कि जब आप गूगल को ओपन करते हैं तो गूगल का कौन सा पेज आता है इस तरीके से पेज आपको ओपन होकर मिलता है तो इसको बोलते हैं हम होम पेज ये गूगल का होम पेज है कोई भी वेबसाइट आप ओपन कीजिए जो उसका पहला पेज आएगा तो उसे आप कहेंगे होम पेज तो आई होप आप लोगों को होम पेज भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं लिंक की तो देखिए लिंक क्या होता है लिंक जो है डेटा कम्युनिकेशन में एक ऐसे चैनल या फिर ऐसी लाइन को बोलते हैं जो दो डिवाइस को कनेक्ट करता है जिससे कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो सके उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है अब इनको किसी चैनल की हेल्प से हम लिंक करेंगे तो क्या होगा दोनों ही डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाएंगे मतलब डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर पाएंगे तो यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हो रहा है एक लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है जिसकी हेल्प से कि ये कम्युनिकेट कर पा रही हैं तो आई होप आप लोगों को लिंक भी समझ में आ चुका होगा अब बात करते हैं हाइपर लिंक की हाइपर लिंक जो है वो एक इमेज ऑडियो वीडियो या फिर ग्राफिक्स या फिर आप कह सकते हैं टैक्स हो सकता है जो कि कनेक्ट करता है किसी एक पेज को दूसरे वेब पेज से मतलब कि कोई इमेज है कोई टेक्स्ट है कोई वीडियो है वो इस तरीके से वर्क कर सकता है कि वहाँ पे आप दो पेज को लिंक कर सकते हैं मतलब कि कोई वीडियो या इमेज पे लिंक लगा दिया जिससे कि जो वेब पेज है वो वहाँ पे लिंक हो जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइपर लिंक जो है वो एक तरीके का लिंक है जो कि टैक्स पे लगा हुआ हो सकता है या फिर आपके वीडियो पर लगा हुआ हो सकता है या फिर इमेज पर लगा हुआ हो सकता है या फिर किसी और ग्राफिक्स पर लगा हुआ हो सकता है जिसकी हेल्प से दो वेब पेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी वेबसाइट के या फिर डिफरेंट वेब पेज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी वेबसाइट के जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट के जो वेब पेज हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक है तो ये लिंक किस तरीके से होंगे यहाँ पे आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा किसी इमेज पे किसी वीडियो पे या फिर किसी टेक्स्ट पे उसकी हेल्प से जो होंगे ये आपस में लिंक हो जाएंगे अब बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की तो देखिए हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है हाइपर टैक्स सिंपली ऐसे टेक्स्ट को बोलेंगे जिस पे कि लिंक लगा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट का या किसी वेब पेज का मतलब कि कोई ऐसे टेक्स्ट हैं जहाँ पे कि लिंक लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर लिंक जैसे कि आप वेबसाइट को विजिट करते होंगे तो वहाँ पे जो है आपको टैक्स लिखे हुए मिलते होंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लिक या लिखा हुआ है तो जैसे ही आप कर्जर लेके जाते हैं उस टैक्सट पे तो आपका हैंड वन किया जाता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे लिंक लगा हुआ है और जो टैक्सट है उनको हम बोलेंगे हाइपर टैक्स कि उन टैक्स पे जो है लिंक लगा हुआ है अगर उस टैक्स पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई वेब पेज या कोई ना कोई वीडियो या फिर कोई भी चीज़ ओपन हो जाएगी जो उससे लिंक होगी तो जो टैक्सट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपर टैक्स आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी और जो हाइपर टैक्सट होते हैं वो नॉर्मली अंडरलाइन हो रहे होते हैं और कौन से कलर में आ रहे होते हैं ब्लू कलर में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन हो रहा है और ब्लू कलर में भी आ रहा है जैसे ही आप कर्ज़र लेके जाएंगे तो आपका हैंड का साइन वहाँ पे बन के आ जाएगा तो आई होप आप लोगों को हाइपर टेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा अब डिस्कस करते हैं हाइपर मीडिया तो देखिए हाइपर मीडिया का मतलब क्या होता है हाइपर मीडिया जो है ऐसे हाइपर टेक्स्ट को कह सकते हैं आप जो कि इंक्लूड करके रखते हैं टैक्स ग्राफिक्स साउंड और वीडियो मतलब कि कोई ऐसा हाइपर टैग जिसके अंदर क्या लिंक है कोई ना कोई मीडिया लिंक है मतलब कि उस पर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई मीडिया ओपन होगी चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे आपके ग्राफिक हो चाहे साउंड हो चाहे वीडियो मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई मीडिया ओपन हो जाएगी तो ऐसे हाइपर टैक्स को बोलते हैं हम हाइपर मीडिया क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई मीडिया जो है वो लिंक है उस हाइपर टैक्स से तो आई होप आप लोगों को हाइपर मीडिया भी क्लियर हुआ होगा अगर आप लोगों को कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं क्लियर कर दूंगा अब बात करते हैं यू की तो यू की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये जो है फुल फॉर्म हो गई हमारी किसकी यू की तो यू होता क्या है देखिए यू आर एल सिंपली जो है वो क्या है किसी वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस मतलब कोई जो वेबसाइट है या कोई वेब पेज है उसका जो एड्रेस होगा उसे हम बोलेंगे यू आर एल जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं HTTP टी टी पी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट विकीपीडिया डॉट कॉम तो ये पूरा क्या है एक यू आर एल है मतलब ये वेबसाइट का यू आर एल है ऐसे किसी भी वेब पेज का यू आर एल भी हो सकता है सिंपली हम कह सकते हैं कोई भी वेब पेज या वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं यू और इस यू को हम कहाँ टाइप करते हैं वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जब भी आप लोगों ने देखा होगा कोई वेबसाइट आप टाइप करते हैं तो एड्रेस बार में आपको यू लिखा हुआ मिल जाता है कोई भी वेब पेज आप ओपन करेंगे तो उस वेब पेज का आपको यू डिस्प्ले होगा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे देखिए करके दिखा देता हूँ वेब ब्राउजर में देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए मैं गूगल में सर्च करता हूँ क्रिक मान लीजिए क्रिक मैंने सर्च कर लिया तो देखिए जैसे क्लिक पर इसको क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट इसकी ओपन हो गई अब मान लीजिए यहाँ पे जो है मैं क्लिक करता हूँ शेड्यूल वाले पे शेड्यूल पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसका जो है एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा इस पेज का जो है एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है तो इस पेज का ये जो है पूरा क्या हो गया यू हो गया अब इसको क्लिक करेंगे आप कहीं भी शेयर करेंगे इसको तो डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा तो इस पेज का जो है यू आर ये है और इसकी जो वेबसाइट थी उसका यू क्या था ये था ये जो था सिर्फ वेबसाइट का यू था तो यू वेबसाइट का भी हो सकता है और वेब पेज का भी हो सकता है तो आई होप आप लोगों को यू समझ में आ गया होगा अब डिस्कस करते हैं आई एड्रेस को तो देखिए आई एड्रेस क्या होता है ये नंबर एड्रेसिंग सिस्टम होता है और ये होता क्या है देखिए समझते हैं यहाँ पे आई एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपके कंप्यूटर को मिलता है और कंप्यूटर को कौन प्रोवाइड करता है ये जो आई एड्रेस है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ये जो है आपको आई पी एड्रेस प्रोवाइड करता है तो जो भी कंप्यूटर आपका इंटरनेट में कनेक्टेड होता है उसको आई पी एड्रेस मिला हुआ होता है अगर आप अभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन को भी एक आई पी एड्रेस मिला हुआ होगा कोई भी डिवाइस हो चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो उसको एक आई पी एड्रेस मिलता है जब भी आप इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं और ये जो एड्रेस है थर्टी टू बी एड्रेस होता है अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से कुछ आई पी एड्रेस होता है जैसे कि यहाँ पे नंबर की फॉर्म में देखिए वन सेवन टू डॉट सिक्सटीन डॉट टू फिफ्टी फोर डॉट वन तो इस तरीके से जो है कोई भी आईपी एड्रेस आपके सिस्टम का हो सकता है और एक नेटवर्क में दो कंप्यूटर या दो डिवाइसेस के आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते तो अगर आप चाहें तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आप आईपी एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं जितने भी डोमेन नेम होते हैं उनकी जगह आई एड्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट अगर आपको एक्सेस करनी है तो अगर आपको उस वेबसाइट का आई एड्रेस पता है तो डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं वो आई एड्रेस टाइप करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस क्या है एक यूनिक एड्रेस रहता है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट होने में क्योंकि कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो उसको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है बिना आईपी एड्रेस के जो है आपके दो सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर सकते और एक नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेस होंगे जितने भी सिस्टम होंगे उनके सबके आई पी एड्रेस डिफरेंट होंगे तो आई होप आप लोगों को आई पी एड्रेस भी समझ में आ चुका होगा अब बात करते हैं डी एन एस की जिसको कि डोमेन नेम सिस्टम भी बोलते हैं तो देखिए डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या होता है डोमेन नेम जो है वो यूनिक नेम है जो कि किसी वेबसाइट या फिर रिसोर्स को दिया जाता है जिससे कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए अब देखिए डोमेन नेम जो है वो इजी कर देते हैं क्या चीज़ इजी कर देते हैं कि जो आईपी एड्रेस है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है नेम में मतलब कि अगर मान लीजिए जितनी भी वेबसाइट है उनके सबके आई पी एड्रेस आपको बोला जाए टाइप करने के लिए तो हो सकता है आप लोग भूल जाएँ क्योंकि होता क्या है हर कंप्यूटर को आई पी एड्रेस मिलता है जो वेबसाइट्स होती हैं उनको आई पी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है और उस आई पी एड्रेस पर ही वो वेबसाइट रन करती हैं अब अगर आपको आई पी एड्रेस से एक्सेस करनी पड़े वेबसाइट तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे आई पी एड्रेस क्योंकि नोमेरिक फॉर्म में होता है तो उस आई पी एड्रेस को ही एक नेम दे दिया जाता है जिसको कि हम डोमेन नेम बोलते हैं जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गूगल डॉट कॉम का तो गूगल डॉट कॉम का जो डोमेन नेम है वो गूगल है अगर आप चाहें तो उसकी जगह आई पी एड्रेस भी टाइप करके गूगल वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन आई पी एड्रेस याद रखना हर वेबसाइट का काफ़ी डिफिकल्ट होता है तो इसीलिए लिए वहाँ पर क्या होता है डोमेन नेम दिया जाता है जिसको कि आप ईजिली याद कर सकते हैं और उसको जो है वेबसाइट से ईज़िली रिलेट भी किया जा सकता है तो सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं डोमेन नेम सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि जो डोमेन नेम है वो ट्रांसलेट होता है आईपी एड्रेस में कि आपने जैसी गूगल टाइप करा तो जो सिस्टम है उसको पता चल जाएगा कि इससे आईपी एड्रेस रिलेटेड क्या है और वो जो है उस वेबसाइट को ओपन कर देगा मतलब कि जो आईपी एड्रेस होता है आपका उसको ही एक नेम दे दिया जाता है डोमेन नेमिंग सिस्टम में जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ पे जो है एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला हुआ है मान लीजिए इस सिस्टम को आईपी एड्रेस मिला हुआ है तो डीएनएस जो यहाँ पे लगा हुआ होगा मतलब जो आपका डोमेन नेमिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा इसको नेम में कन्वर्ट कर देगा तो जैसे ही आप गूगल डॉट कॉम टाइप करेंगे इसे पता चल जाएगा कि कौन से आईपी एड्रेस को एक्सेस करके इसको प्रोवाइड करना है तो वही वेबसाइट जो है आपकी ओपन हो जाती है और डोमेन नेमिंग सिस्टम में जो है एक्सटेंशनस होती हैं जैसे कि डॉट नेट है डॉट कॉम है डॉट ओ आर जी है तो आप जो है अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी डोमेन नेम किसी भी एक्सटेंशन के साथ में ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं डॉट काम के साथ में लेना तो डॉट काम के साथ ले सकते हैं डॉट ओ आर जी के साथ लेना चाहते हैं डॉट ओ आर जी के साथ ले सकते हैं डॉट नेट के साथ लेना चाहते हैं तो डॉट नैट के साथ भी ले, ले, ले सकते हैं इसके अलावा जो है कंट्री के भी एक्सटेंशन होते हैं जैसे डॉट इन जो है वो इंडिया के लिए है डॉट पी के जो है वो पाकिस्तान के लिए है इसी तरीके से हर कंट्री का जो है एक डोमेन नेम एक्सटेंशन भी होता है तो आई होप आप लोगों को डोमेन नेम सिस्टम समझ में आ चुका होगा अब डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल्स को तो देखिए प्रोटोकॉल्स को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं तो यहाँ पे भी समझ लेते हैं इनको देखिए प्रोटोकॉल जो हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें सेट ऑफ़ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको कि हम प्रोटोकॉल बोलते हैं तो सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कुछ रूल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होगा किसी नेटवर्क में और किस तरीके से जो है आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाएगा तो इन्हीं रूल्स को जो है हम प्रोटोकॉल बोलते हैं तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं मतलब कि हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है तो चलिए बात करते हैं उन प्रोटोकॉल्स की कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमारे मेनली यूज होते हैं ट्रांसमिशन के लिए तो पहले प्रोटोकॉल की बात करें तो पहला प्रोटोकॉल है टी सी पी आई पी तो टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल का, का काम क्या होता है देखिए टी सी पी आई पी की फुटफॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल और ये जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट इज़ यूज टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट मतलब कंप्यूटर को इंटरनेट पर कनेक्ट करने के लिए टी सी पी आई पी का यूज़ होता है एंड ये जो प्रोटोकॉल है एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और ये जो है स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से जो डेटा है वो आपका पैकेट्स में डिवाइड होगा मतलब पैकेट्स किस तरीके से बनेंगे डेटा के और किस तरीके से जो है डेटा आपका ट्रांसमिट होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मतलब कि जो सोर्स है वहां से डेस्टिनेशन तक किस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे जो टी सी पी आई पी होते हैं वो दोनों मिल काम करते हैं दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं टी सी पी एंड आई पी तो यहाँ पे जो टी सी पी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा के पैकेट बनाने के लिए कि मतलब जब आप अपने कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वहाँ पे जो डेटा के पैकेट बनाएगा वो कौन बनाएगा टी सी पी और उन पैकेट की सेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा आई मतलब कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो सेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस डेटा का ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा उसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आई पैकेट बनाने का काम यहाँ पर टी का होता है मतलब जो डेटा है उसको पैकेट में डिवाइड करता है कौन टी -सीथि. और सेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है आई तो इस तरीके से दोनों जो है मिल काम करते हैं तो आई होप आप लोगों को टी सी भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की दैट इज एस टी टी पी अब एस टी टी पी प्रोटोकॉल का काम क्या होता है देखिए एस टी टी पी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट पे अब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है मतलब वेब डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है हमारा एस टी टी पी जितने भी वेब पेज इंटरनेट पर पे ट्रांसफ़र होते हैं वो इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से होते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा कोई ना कोई वेबसाइट आपने जब ओपन की होगी तो उसके आगे एस लगा हुआ होगा तो एस का, का काम ये होता है कि जो भी वेब पेज आप एक्सेस कर रहे हैं उसको ये ट्रांसफर करे वेब सर्वर से क्लाइंट तक और क्लाइंट से वेब सर्वर तक जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी किसके पास में एस सर्वर के पास में और एस सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करेगा इसकी रिक्वेस्ट को और इसके बाद में यहाँ पर रिटर्न कर देगा तो इस तरीके से जो है ये पूरा वर्क करता है मतलब कि जो भी वेब डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ट्रांसफर का काम किसका होता है एस का जितने भी वेब डॉक्यूमेंट होंगे वो इसी की हेल्प से ट्रांसफर होंगे कोई भी वेब पेज आप एक्सेस करेंगे इसके बिना एक्सेस नहीं हो पाएगा तो आई होप आप लोगों को एस भी समझ में आ गया होगा इसी का दूसरा वर्जन होता है एक एस टी टी पी एस यहाँ पे एस लगा रहता है तो इस एस का मतलब क्या है अगर हम बात करें एस टी टी पी से कि एस टी टी पी एस में क्या डिफरेंस होता है तो एस टी टी पी एस जो है वो सिक्योरिटी के लिए होता है ये सिक्योर होता है मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन होगा वो सिक्योर होगा डेटा यहाँ पे डेटा जो है इनक्रिप्टिड रहेगा लेकिन जो एच होता है वो अनसिक्योर होता है तो आज के टाइम पे जितनी भी वेबसाइट आपको मिलेंगी ज़्यादातर में एस लगा रहता है मतलब कि सिक्योर होता है तो जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ करें तो उसको देख लें कि वेबसाइट तो सिक्योर तो है या नहीं है वहाँ पर एस लगा हुआ होना चाहिए तो ऐस अगर लगा हुआ नहीं है तो उस वेबसाइट को यूज़ करने से आप बचें क्योंकि वो वेबसाइट जो है अनसिक्योर है और उस पर ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल भी ना करें तो आई होप आप लोग को एस HTTP और एस दोनों में ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एस HTTP होता है एस जो है वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए होता है है मतलब कि एक्स्ट्रा लेयर आपको ये प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की दैट इज एफ टीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ये जो है एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका की यूज फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है इंटरनेट पे मतलब कोई भी कंप्यूटर्स के बीच में फाइल ट्रांसफर करनी होगी तो वो होंगी आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से एंड डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में भी आपका यही प्रोटोकॉल यूज होता है मतलब कि जो एफ प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए भी यूज होता है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग तो आपका आंसर होगा एफ अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की दैट इज एस तो देखिए एस का काम क्या होता है एस की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है इंटरनेट पे मतलब कि जो एस है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसका काम क्या होता है नेम से पता चल रहा है ई को ट्रांसफर करने का काम होता है तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए विस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ई तो आप कहेंगे एसएमटीपी मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होता है हमारा वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आप जब आप कोई ईमेल मेल सेंड करेंगे अपने कंप्यूटर से तो यहाँ पे क्या है सर्वर के पास में जाएगा और कौन सा प्रोटोकॉल लेके जाएगा एस जो प्रोटोकॉल है वो लेके जाएगा और जी के सर्वर पे पहुंच जाएगा ये और इसके बाद में यहाँ से भी नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए ट्रांसफर किससे होगा एस एम टीपी से ही होगा मतलब जो एस एम टी प्रोटोकॉल है वही आगे को लेके जाएगा तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं जो एस एम टी प्रोटोकॉल है वो हमारा मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की दैट इज आई एम एपी एंड पॉप तो देखिए दो प्रोटोकॉल है और इन दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या होता है यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं आई एम एपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पॉप की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और ये दोनों ही प्रोटोकॉल जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है किसके लिए ईमेल को रिसीव करने के लिए मतलब कि ईमेल को रिट्राइव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो ये दोनों प्रोटोकॉल यूज होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ से अपने कंप्यूटर से ईमेल को सेंड करेंगे तो लेके कौन जाएगा एसएमटीपी मतलब ट्रांसफर कौन करेगा यहाँ से एस एम टीपी जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो यहाँ से लेके जाएगा और जो जीमेल का सर्वर होगा मान लीजिए वहां से भी हमारा क्या करेगा एस एम टीपी ही लेके जाएगा क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है फाइल इसके बाद में जब रिसीवर वाले सर्वर पे जाएगा जहाँ पे रिसीव होगा वहां पे दो प्रोटोकॉल होंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल होंगे या तो आपका पॉप थ्री होगा पॉप थ्री का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा या फिर आपका होगा आई एम ए पी मतलब कि ये दोनों प्रोटोकॉल में से कोई ना कोई प्रोटोकॉल रहेगा जो क्या करेंगे इस ईमेल को रिसीव यहाँ पे करेंगे और कंप्यूटर पे प्रोवाइड कर देंगे जिस कंप्यूटर पे जाना होगा वहां पे इसको प्रोवाइड कर देंगे तो इस तरीके से जो है आपके ये प्रोटोकॉल वर्क करते हैं तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रोटोकॉल भी समझ में आगे होंगे बेसिकली ये दोनों प्रोटोकॉल जो है वो ई को रिट्राइव करने के लिए यूज होते हैं मतलब की ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं तो स्टूडेंट इस इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आगे होंगे अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को पे एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग